जय हिंद मेरे दोस्तों, आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई पर ध्यान दिए होंगे। आज हम लोग किडनी के मेन पार्ट जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे क्या काम करता है, कैसे काम करता है, उसको आज हम पूरा विस्तारित रूप से समझेंगे। आइए, हमारे जो है ना किडनी के सबसे मुख्य भाग होता है जो हमारे मतलब कि शरीर में प्यूरिफाई करता है, जो भी गंदा रहता है लिक्विड फॉर्म, वह पेशाब के माध्यम से निकालने में अहम भूमिका योगदान देता है हमारे शरीर का। यह इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो रहता है हमारे किडनी में पूरा रहता है, वह किडनी का मुख्य पार्ट होता है जो काम करता है। अब आता है नेफ्रॉन का थोड़ा सा आकृति, आप देख ले, देखने के पहले को बता दें कि आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और आप लोग सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करना चाहिए क्या आपको चैनल, मतलब कि सब्सक्राइब करने में तो पैसा जाता नहीं है, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग अगर चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आते हैं, यह देखिए दो आकृति बनाए हैं नेफ्रॉन का, दो आकृति बनाए हैं। अब इसमें क्या होता है, एक में कैपिलरीज है, इसमें नहीं है, तो यह आसानी से आपको समझ जाइएगा, ये भी आसानी से समझिए, दोनों डायग्राम बनाए हैं तब समझिए, आराम से एकदम धैर्य बना के समझिए, इसको आनंद लीजिए। अब ध्यान देंगे, यह जो आकृति जो बनाया गया, यह जो है यह खंभा खंभा जैसा है ना, तो इसके साथ बहुत सारा चीज जुड़ा होगा, मतलब कि इसके जैसा नेफ्रॉन जो होगा इसके साथ जुड़ा होगा, और मतलब कि यह जिसे जुड़ा है, यहाँ से कट काट के देखा जाएगा तो एगो जुड़ेगा, तो कितना इसमें देखा है आपको, नहीं ना, देखो देखा है। अब का ध्यान देंगे, यह आपका जो रहता है, जो मतलब कि लग रहा है कि जो क्या बोलते हैं घोड़ा का जो थी रहता है, नीचे पैरों पर लगाया जाता है, तो वो आपका एथी लेखा लग रहा है, समझ गए। तो यह आपका यह जो दिखाई दे रहा है इसको इसको बोलते हैं हम लोग बोमेंस कैप्सूल्स। बोमेंस कैप्सूल रहता है, यही इसका मूल का काम होता है। इसमें ध्यान देंगे, इसमें फिल्ट्रेशन हो जाएगा, रीजप्शन हो जाएगा, एक्सक्रेशन हो जाएगा, है ना, यह सब तीनों चारों प्रोसेस आपका होता है। अब ध्यान देंगे तो यह जो आपका हो जाएगा, अब देखते हैं इसको प्रोसेस कभी नहीं बताएंगे, बता रहे हैं आपको पूरा धीरे धीरे, आप समझते रहिए। कह रहा है कि अफरेंट आर्टरियल्स, अफरेंट मीन्स क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, ब्लड जो होगा, ब्लड इसमें गंदा भी ब्लड आता है और सही ब्लड आता है, दोनों ब्लड आता है। और ध्यान देंगे उसके लिए अलग अलग दोनों सिस्टम इसमें रहता है, गंदा ब्लड इसमें गंदा ब्लड फेंटा जाएगा, गंदा ब्लड किसे, मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ, जिसमें क्या ऑक्सीजन मिला हुआ उसको हम लोग शुद्ध ब्लड हो जाएगा, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिला हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं गंदा ब्लड। और ध्यान देंगे कि यह अफरेंट आर्टरियल जो हो जाएगा, अफरेंट आर्टरियल जब इसमें आएगा, मतलब कि ब्लड के लेके आएगा, अफरेंट आर्टरियल मीन्स होता है कि ब्लड को लेके आ गया वोमेन कैप्सूल में, यह जो नीचे इसको जो एथी बनाया गया है आपका क्वाइल जैसा बनाया गया, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। यह क्या काम करता है कि जब यह ब्लड अंदर आ रहा है तो क्या करेगा, उसमें से जितना मतलब कि अनवांटेज चीज है, मतलब कि जितना मतलब कि प्लाज्मा में जो भी चीज है उसको क्या करता है, निकाल लेता है। अब वांटेड चीज है कि अनवांटेड चीज है, दोनों के निकाल लेता है। बस कि क्या होता है, प्लाज्मा में जो भी चीज रहेगा उसको क्या करेगा, निकाल के रख लेगा, मतलब कि जो भी ब्लड में उसके पीछे से मान लीजिए साल्ट हुआ, अमीनो एसिड हुआ, है ना, उसके बाद ग्लूकोज हुआ, पानी हुआ, है ना, कुछ यूजफुल साल्ट है, मतलब कि ग्लूकोज है, सब अच्छा भी चीज और खराब भी चीज दोनों निकाल के छांट लेता है। कौन करता है, ये आपका ग्लोमुलस करता है। तो ग्लोमुलस के क्या काम होता है कि सभी चीज जो अफरेंट आर्टरियल से जो ब्लड आता है उस सब में से अनवांटेड अवांटेड चीज को छान कर आएगा करता है, वुमेन कैप्सूल के पास भेज देता है। क्या करता है, वुमेन कैप्सूल के माध्यम यदि पास भेज देता है, जब इसमें आता है उसके बाद क्या कर, यह उसके बाद भेज दिया, उसके बाद जो खून जो है ब्लड वह अफरेंट के अफरेंट आर्टरियल से निकल के जाने लगता है। क्या करता है, अफरेंट आर्टरियल से निकल के जाने लगता है। देखिए अफरेंट आर्टरियल, देखिए यहाँ पर अच्छा से देखिएगा तो यहाँ से देखिए जा रहा है, तो फाइनल राउंड से नहीं, देखिए यहाँ से देखिए जा रहा है, अच्छा से देखिए इसे बताया कि यहाँ से जाने लगा तो बीच में इसको भेटाएगा, इस बीच रास्ता में भेटाएगा कौन, यहाँ पर आपका कैपिलरी है, यह क्या करेगा, इसमें तीन राउंड दिया गया, ध्यान देंगे यह तीन राउंड बनाया गया। इस थोड़ा सा मेरा और भी यहाँ पर क्रॉसिंग चीजों है, तो यह यहाँ पर बोलते हैं प्रोक्सिमल्स कन्वुलेटेड ट्यूबल्स। तो प्रोक्सिमेटल कन्वुलेटेड ट्यूबल के पास जब आता है तो क्या होता है ना कि यह मालूम चल जाता है, वोमेन कैप्सूल के यह मालूम चल जाता है कि अरे भाप भी तो बहुत गलती कर दिया भाई, यह सब यूजफुल सब्सटेंस इसमें डाल दिया है,
है ना, तो इसका मतलब कि बोलता है कि लग रहा है ना कि गोलमुरस का क्या होता है, दिमाग खराब हो चुका है कि यूजफुल सब्सटेंस को भी निकाल दिया है और जो अनवांटेड अनवांटेड दोनों को निकाल दिया है। तब क्या करता है, यहाँ पर क्या करता है, वो सिस्टम लगाता है, यहाँ पर क्या रहता है आपका ब्लड कैपिलरी जहां पर बिछा रहता है, और क्या करता है उसमें से जो यूजफुल सब्सटेंस है उसको क्या करता है, यहाँ पर जो संपर्क में रहता है अपना अस्थि के, डिफ्यूजन के माध्यम से उसको भेज देता है प्रोसेस, बहुत हाई प्रेशर से आता है, देखिए यह हाई प्रेशर से आएगा फिर लोस से जाएगा, तो क्या करेगा यहाँ से मतलब कि तेजी से आपका इसको छान लेता है यूजफुल जो सब्सटेंस होता है। देखिए यहाँ पर जो हुआ मतलब कि जो ग्लोमरस कैप्सूल जो किया इसके अंदर अंदर जो काम किया है उसको फिल्ट्रेशन कहते हैं, क्या कहते हैं फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहते हैं, क्या कहते हैं उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। आपको आएगा कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, तो बोलेंगे कि वह ग्लोमरस करता है, वह कहता है वोमेंस कैप्सूल के जो उसका मुंह रहता है उसके ऊपरी पार्ट में करता है, समझ गए। तो यहां से वो कर लिया, उसके ध्यान देंगे जब यह आने लगता है तो इसका मालूम चल जाता है कि यह जब यहां से जब इसमें आ जाता है जो अमीनो एसिड ग्लूकोज है ना फैट सब जो आ जाता है उसका मोलकुल, तो जान जाता है यहाँ वोमेन कैप्सूल जान जाता है कि भाई तो गलती कर दिया, तो मिस्टेक कर दिया है ना, इसको तो काम देना ही नहीं चाहिए था। परंतु क्या करता है यहाँ पर आने आने में पूरा जाने आने में कहता है कि पूरा दिमाग लगाता है और यहाँ पर शरीर को क्या करता है सेल को एक्टिव कर देता है, और सेल एक्टिव होने के कारण क्या होता है कि इसमें से जो यूजफुल सब्सटेंस है उसको क्या करता है रीअब्जॉर्प्शन मीन्स होता है कि पुनः उसको ऑब्जर्व करना है ना, यूजफुल सब्सटेंस को ऑब्जर्व करके उसके पास जो रहता है आपका विली प्रोजेक्शन रहता है उसको ऑब्जर्व करके अगेन ब्लड को क्या था ब्लड वेसल में रेड ब्लड वेसल में उसको डाल देता है, समझ गए, ब्लड वेसल के में डाल देता है अगेन, समझ गए। तो यहाँ पर डालता है, उसके बाद जो आता है यहाँ से जो जाएगा यहाँ से आपको जो है मतलब कि हेनस लूप में जाएगा, तो हेनस लूप में बहुत सारा साल्ट भी रहता है ध्यान देंगे, अब इसमें आएगा तो देखा भाई तो कहा तो अमीनो एसिड फैट प्रोटीन विटामिन सब निकाल के डाल दिया, यहाँ से जब इसमें आएगा तो उसमें कुछ कुछ कहा था इससे कहा था पोटेशियम हो जाएगा आपका, पोटेशियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, यह सब जो चीज हो जाएगा आपका, यह क्या करेगा आयरन हो जाएगा, तो कुछ चीज ऐसा एलिमेंट रहेगा इसमें यूजफुल रहेगा वह नहीं निकाल पाएगा, निकाल पाता तो कह रहे भाई अभी तो ज्यादा ही थी मात्रा में है ना, तो क्या करता है इसको शोषण कौन करता है हेनले लूप्स करता है, हेनले लूप्स करता है, उसके बाद यहाँ से भेज देता है, इसमें रहता है तो फिर पानी की मात्रा कम हो जाता है, मतलब यूजफुल पानी नहीं रहता है, सब यूजफुल पानी और सब कुछ यहाँ से निकल जाता है, उसके बाद क्या करता है एयर जो है आपका डिस्टिल कन्वेंटिलेट ट्यूब में यहाँ से सीधे आपका क्या करता है कंडक्टिंग डक्ट में भेज देता है, मतलब कि यह कंडक्टिंग डक्ट जो है यह यूरिन ब्लैंडर से जुड़ा रहता है, और क्या कहते हैं इसमें सब जो जाता है आपका यूरिन जो होता है यूरस जितना अनवांटेड सब्सटेंस होता है वह सब जाने लगता है, मतलब कि सभी जो काम करता है आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किया कौन ग्लोमरस किया, उसके बाद का मतलब कि रिजॉर्प्शन किया, तो कहा था मतलब कि वोमेंस कैप्सूल की मदद से हुआ है, कहाँ पर हुआ था पूछेगा कहाँ हुआ था तो बोलिएगा कहा था प्रोक्सिमल कन्वेंटिलेट ट्यूब में हुआ है, उसके बाद ये बोलिएगा कि मतलब कि जो पोटेशियम सोडियम इस सब का जो ऑब्जर्व किया हुआ है तो हेनल लूप से हुआ है, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर पानी के लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि वो फुल पानी क्या करता है फिर ब्लड में डाल देता है, तो बोलिए कि यहाँ पर पानी के लेवल बहुत ज्यादा था यहाँ पानी के लेवल कम हो कहाँ डिस्टल कन्वेंटिलेट ट्यूब में कम हो जाता है, उसके बाद यह क्या करता है डिजिटल कन्वेंटिलेट ट्यूब जो होता है वह जुड़ा रहता है कनेक्टिव डक्ट से जुड़ा रहता है, कनेक्टिव डक्ट से जुड़ा रहता है, और क्या करता है ये जो है कंडक्टिव डक्ट जो रहता है वह मतलब यूरिन ब्लेंडर से जुड़ा रहता है, जाकर वहीं पर अपना थैली में उसको देता है कि भाई लो इसको निकालो है ना, यह काम इतना करता। अब बात रहा कि इसमें कौन आता, देखिए इसमें जो है ब्लड में मतलब कि आपका जो होता है जिससे कि मतलब कि आपका नेफ्रॉन जो होता है नेफ्रॉन में दो मतलब सिस्टम रहता है, या रेड ब्लड सेल के भी करता है मतलब कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है दोनों के प्योरीफाई करने में अहम भूमिका रोल निभाता है। आपका ध्यान देंगे कि इसमें जो स्ट्रक्चर ध्यान देंगे यह बता रहा है कि यह आपका ब्लड इसमें आ रहा है, उसके बाद यहाँ से क्या किया जा रहा है जो गंदगी छान उनके ये आपको जाने लगा सर ना यहाँ से जा रहा है, और ध्यान देंगे गंदगी यहाँ से ब्लड जब डाला तो इसका नाम दिया गया था अफरेंट आर्ट्रियल्स, अफरेंट आर्ट्रियल समझाना है कि अफरेंट आर्ट्रियल जो बता रहा है इसका मतलब कि जो है हमारे अरोटा से आ रहा है, क्या रहा अरोटा से आ रहा है ब्लड जो होता है अरोटा से, इसका मतलब शुद्ध है रेड ब्लड सेल, मतलब कि ये बोल सकते हैं कि यह जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है,
जब यहाँ पर का अफरेंट अगर मान ली विंस लिखा रहता तो यहाँ समझ जाना है कि यहाँ पर जो होता है गंदा खून आएगा और क्या होता है वह आपको इफेंट से निकल के पूरा शरीर में फिर अगेन पूरा किड शरीर में नहीं आएगा, फिर क्या जाएगा वो किडनी के पास, मतलब कि वह जाएगा आपका लंग्स के पास जाएगा। तो यह काम करता है, मतलब कि यह प्रोसेस करता है। कह रहा है कि अब कह ध्यान देने जरूरी है कि यह जो प्रक्रिया जो हुआ आपका, यह प्रक्रिया जो होता है आपका कनेक्टिव, यह कौन होता है प्रक्रिया यह बता दिया आपका। यहाँ पर जो बिछा हुआ जो रास्ता पूरा घनिष्ठ बिछा हुआ था, हम उसको अच्छा से नहीं बना पाए, तो घनिष्ठ पूरा बिछा हुआ था। तो यह जो है ना आपका कैपिलरीज है ना, इसको कैपिलरी क्या करता है, इसमें आपका पूरा इसी के संपर्क में रहता है, यह संपर्क में ध्यान देंगे। यह जो है आपका यह पार्ट जो है आपका क्या बोलते हैं जी, मतलब कि वोमेन कैप्सूल का जो मतलब कि ट्यूबवेल बनाया गया तीन टाइप में, उसके साथ यह संपर्क में यहाँ रहता है, यहाँ पर संपर्क में रहता है कौन वे आपका कैप्सूल क्या था कैपिलरी जा रहता है, इसके साथ संपर्क में रहने के कारण इसका जो होता है मतलब कि यूजफुल सब्सटेंस होता है उसको इसके माध्यम में ट्रांसफर कर देता है, मतलब कि जो मतलब कि आपका जो ब्लड यहाँ से जा रहा था उसके जुड़ा रहता है, इसके साथ जुड़ा रहता है इसे, है ना, उसके कहता है वो इसी में वो ट्रांसफर कर देता है, मतलब कि ट्रांसफर करने के बाद फिर मतलब प्रोसेस अपना जो भी बरकरार है करता है। मतलब कि यह बोल सकते हैं कि आपका जो है एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन मीन्स उत्सर्जन होता है, मतलब कि एक्सक्रेशन हुआ, रीअब्जॉर्प्शन हुआ, रीअब्जॉर्प्शन पुनः अब्जॉर्ब करना, फिल्ट्रेशन मीन्स होता है छानना हुआ, है ना, एक्सक्रेशन मीन्स होता है फिर देना होता है, मतलब कि चार प्रक्रिया इसमें आपका हुआ, मतलब कि चार प्रक्रिया आपको इसमें देखने के मिलेगा, है ना। तो आपका कह रहा है कि आपका एक्सक्रेशन हो गया, आपका एक्सक्रेशन हो गया इसमें, मतलब कि इसका उत्सर्जित करेगा यहाँ से, फेनु लिया, है ना, फेनु क्या कर फिल्ट्रेट किया, फेन उसके बाद क्या कर दिया इसको, मतलब कि आपका रीअब्जॉर्प्शन किया, चार प्रक्रिया हमको करता है, मतलब कि हमारा जो नेफ्रॉन है ये काम आपको करता है। देखिए यहाँ पर जो बनाया गया डायग्राम जो है यह आपका क्या के डायग्राम है, देखिए अच्छे से डॉट डॉट पूरा डॉट से समझाए इसे, मतलब कि यहाँ पे गंदगी को लेके जा रहा है, तो यह ज्यादा मतलब कि हार्ड नहीं, बहुत तेजी है, उसको अब डिटेल और इसके बताएंगे कि अंदर जो मतलब कि हमारा जो किडनी के जो अंदर रहता पार्ट को बताएंगे विस्तार रूप से, नेक्स्ट एक लास्ट वीडियो बनाएंगे। तो आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाने को अनुमति दीजिए, जय हिंद।